हेलो फ्रेंड्स, सोसिन क्लासेस में आपका स्वागत है। हमने ये सीरीज स्टार्ट की थी बेस्ट स्ट्रैटेजी फॉर एंथ्रोपोलॉजी इन यूपीएससी। इसमें इस सीरीज में सेकंड वीडियो है। जो फर्स्ट वीडियो में हमने बताया टू एरियाज जिसको आपको नेगलेक्ट नहीं करनी चाहिए यूपीएससी एंथ्रोपोलॉजी के लिए, उसमें हम बात कर रहे थे, एक था फॉसिल स्टडीज एंड आर्कियोलॉजी और दूसरा था इंडियन सोशल सिस्टम। और जो पेपर टू में आपको मिलता है, पेपर टू सेक्शन वन में, इंडियन सोसाइटी, इंडियन सोशल सिस्टम, हिंदू सोशल सिस्टम, इन टाइटल्स से उस टॉपिक को डिस्क्राइब किया जाता है। इसके बाद अभी आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं टू मोर टॉपिक्स दैट यू आर नॉट सपोज टू नेगलेक्ट फॉर यूपीएससी। ये बहुत ही सिग्निफिकेंट टॉपिक है जिसको आप देख सकते हो, पेपर वन चैप्टर सिक्स के अंदर सिलेबस में आपको बताया जाता एंथ्रोपोलॉजिकल थियोरी और एंथ्रोपोलॉजिकल थॉट। ये भी एक ऐसा एरिया है जो स्टूडेंट्स मे बी बिकॉज ऑफ द डिफिकल्टी फॉर वेरियस रीजंस, इस चीज़ को भी हमने देखा है कि स्टूडेंट्स नेगलेक्ट करते हैं। ये भी सुनने को मिलता है स्टूडेंट्स से कि क्वेश्चंस एंथ्रोपोलॉजिकल थियोरी से आ नहीं रहे हैं, बट देन आई एम श्योर अगर आप देखते हो लास्ट थ्री इयर्स क्वेश्चन पेपर्स अगर आप देखते हो, यू हैव वेरी डायरेक्ट क्वेश्चंस कमिंग अप फ्रॉम एंथ्रोपोलॉजिकल थॉट। आपको ये ध्यान में रखना है, लास्ट वीडियो में हमने कहा कि यू हैव टू डेवलप एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोच टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग वेरियस थिंग्स, वेरियस डेवलपमेंट्स एंड हाउ यू कैन अंडरस्टैंड द ह्यूमन पॉपुलेशंस एंड कल्चर्स थ्रू एंथ्रोपोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। इस वर्ड का हमने यूसेज किया था लास्ट वीडियो में। नाउ टेकिंग दैट अहेड हियर, जब हम कहते हैं एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोच, आप उसको सिर्फ इस चैप्टर से सीख सकते हैं विच इज एंथ्रोपोलॉजिकल थियोरी, एंथ्रोपोलॉजिकल थॉट। आपको ये ध्यान में रखना है कि कुछ भी टॉपिक आप कुछ भी क्वेश्चन आंसर कर रहे हो, द एंटायर सिलेबस, आपको ध्यान ये रखना है कि एग्जाम्पल्स में, एक्सप्लेनेशंस में should and must आपको anthropological thinkers का usage करना चाहिए। अगर आप syllabus में देखोगे तो anthropological thought आपको लगता है कि हाँ सिर्फ एक chapter में है, और इसको थोड़ा सा हम expand करेंगे, locate करेंगे different parts of the syllabus में, कहाँ कहाँ इस तरह का anthropological thought थ्योरी जो होता है वो कहाँ कहाँ पर आपको यूज किया गया है, आई मीन इन क्लियर टर्म्स कहाँ बताया गया है। देयर आर थ्री डिफरेंट प्लेसेस। एक तो है ऑफ कोर्स पेपर वन चैप्टर सिक्स जो थॉट के एक्चुअल टाइटल के अंदर बताया गया। सेकंड वन विच इज वेरी क्लोजली रिलेटेड इज पेपर वन, इसमें होगा चैप्टर एट। चैप्टर एट अगर आप सिलेबस में देखते हो, इसको बताया जाता है रिसर्च मेथोडोलॉजीज, रिसर्च मेथोडोलॉजीज। रिसर्च मेथोडोलॉजीज का टॉपिक ये एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज से बहुत क्लोजली जुड़े हुआ है, सो यू विल हैव टू एक्चुअली स्टडी दीज टू टॉपिक्स टुगेदर। इन एडिशन जहाँ भी थॉट की बात हो रही है, दैट इज वेयर यू हैव इंडियन सोशल थॉट विच वॉज द सेकेंड टॉपिक जो हमने लास्ट वीडियो में बताया यू आर नॉट सपोज टू नेगलेक्ट, दैट इज इंडियन सोशल थॉट। नाउ आई वुड वॉन्ट टू ब्रिंक द इम्पॉर्टेंस ऑफ इंडियन, इम्पॉर्टेंस ऑफ एंथ्रोपोलॉजिकल थॉट फॉर योर एग्जामिनेशन। हम कह रहे थे कि इफ यू ऑल यू सी द सिलेबस, यहाँ पर आपको सात आठ डिफरेंट स्कूल्स मिलेंगे, जैसा कि इवोल्यूशनिज्म हो गया या डिफ्यूजनिज्म हो गया, फंक्शनलिज्म, सो डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट आर मेंशन्ड। व्हाट यू शुड कीप इन माइंड इज
एग्जाम में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरी से आए ना आए, दैट्स अ डिफरेंट इश्यू. बट यू विल हैव टू लर्न ऑल दी स्कूल्स वेरी क्लोजली, वेरी वेरी क्लियरली. यही से आपका कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होता है सब्जेक्ट के लिए. फॉर एग्जाम्पल, आप सोशल एंथ्रोपोलॉजी में देखोगे, जैसा चैप्टर 5 है सोशल एंथ्रोपोलॉजी में पेपर 1 में, विच इज़ एक्चुअली ए टॉपिक रिलेटेड टू रिलीजियन, ठीक है. और मे बी परहैप्स यू हैव द अदर चैप्टर इन पेपर 1, जैसा कि इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस है, रिलीजन, इस तरह का चैप्टर अगर आप उठा रहे हो. इफ एट ऑल यू आर नॉट यूजिंग एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोच, अगर थियोरेटिकल अप्रोच आप यहाँ पर यूज नहीं करोगे, डिफरेंट एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोचेस यूज नहीं करोगे, यू विल नॉट बी एबल टू गिव द काइंड ऑफ आंसर दैट यू शुड बी गिविंग फॉर द क्वेश्चंस फ्रॉम हियर. किसी और सोशल साइंसेस से कोई सेम क्वेश्चन आंसर करने की कोशिश करता है, द आंसर्स विल बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम वॉट यू वुड बी राइटिंग एज एन एंथ्रोपोलॉजी स्टूडेंट. सो इसको ध्यान में रखते हुए आपको ये करना है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर ए स्पेशल क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड इन द एग्जाम ऑन एंथ्रोपोलॉजिकल थियोरी और नॉट, आपको इसमें कमांड होना जरूरी है. यू आर नॉट सपोज टू नेग्लेक्ट दिस पर्टिकुलर टॉपिक ऑफ योर सिलेबस. और ध्यान ये रखना है कि एग्जाम में विच एवर क्वेश्चन यू आर पिकिंग अप, in all the questions you should have the reference of the thinkers, just structural thinkers ho gaye, functional thinkers ho gaye, evolutionary thinkers ho gaye, whatever may be. For example, abhi religion ki hi baat le lijiye. Religion syllabus mein agar aap dekhte ho paper 1 mein, aapko milta hai evolutionary theories of religion. Agar question evolutionary theories of religion hai, to you should actually get information from anthropological theory, जहाँ पर आपको थिंकर्स मिलेंगे जो रिलीजियन को एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव में एक्सप्लेन किए हों. तो ये आपको ध्यान में रखना है. द थर्ड एरिया विच यू शल नॉट नेग्लेक्ट इज एंथ्रोपोलॉजिकल थॉट. एंड नाउ द फोर्थ एरिया दैट यू शुड नॉट नेग्लेक्ट फॉर द एग्जाम, ये फोर्थ एरिया है जिस पे स्टूडेंट्स बहुत फोकस करते हैं, which is called tribal anthropology. Tribal anthropology. Syllabus में अगर आप देखते हो, in clear terms, paper 2, chapters 6, 7, 8, and to some extent 9. Here you get the topics of tribal anthropology. पर आपको कुछ और देखना है इधर, that is, syllabus में कहीं भी आप question attempt कर रहे हो, anthropology is that discipline which always focused traditionally on simple societies. ठीक है, सिंपल सोसाइटीज. सो होता है ना कि किसी भी टॉपिक आप उठाओ सिलेबस में, जैसे सोशल एंथ्रोपोलॉजी हो गया, या फिर फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी है, एंड देन इंडियन सोसाइटी, किसी भी टॉपिक को आप उठाओ, इट बिकम्स नेसेसरी फॉर यू टू गिव ट्राइबल एग्जाम्पल्स. सो इनडायरेक्टली ट्राइबल एग्जाम्पल्स, ट्राइबल एंथ्रोपोलॉजी इनडायरेक्टली सब्जेक्ट में हर जगह इसका एप्लीकेशन है, हर जगह इसके एग्जाम्पल्स हैं. सो कभी भी आप कोई भी केस स्टडी प्रेजेंट करते हो, एग्जाम्पल प्रेजेंट करते हो किसी भी टॉपिक में, बेसिक रिकमेंडेशन होगा कि ट्राइब्स में दीजिएगा. पर आप पेपर 2 में जब देखते हो ट्राइबल एंथ्रोपोलॉजी, व्हेन इट कम्स एज सेक्शन 2 इन पेपर 2, यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि दिस इज मोस्टली द इंडियन रिलेटेड ट्राइबल एंथ्रोपोलॉजी. पर पेपर 1 में आपके पूरे जो एग्जाम्पल्स हैं, प्रीफरेबली आपको ग्लोबल एग्जाम्पल्स देने हैं, फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड एग्जाम्पल्स आपको देने होंगे.
इंडियन भी यहाँ हो सकता है, बट ग्लोबल एग्जाम्पल्स भी आपको प्रेजेंट करने होंगे. यहाँ पर ट्राइबल एंथ्रोपोलॉजी ऑफ इंडिया, यू विल हैव टू बी स्पेसिफिक विद इंडियन ट्राइब्स. दिस डिस्टिंक्शन यू विल हैव टू कीप इन माइंड. हाँ, हम ये बता रहे थे कि ट्राइबल एंथ्रोपोलॉजी और इंडिया और एंथ्रोपोलॉजी फॉर दैट मैटर सिंपल सोसाइटीज के स्टडीज पे ज़्यादा ध्यान देता है. थ्रू आउट द सिलेबस कोई भी क्वेश्चन आप उठाओ, आपको चाहिए कि ट्राइबल एग्जाम्पल्स दें. इसलिए हम और एक भी आपके बेनिफिट के लिए और एक भी सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं ये यूट्यूब चैनल में, सोसिन क्लासेस में. वो होगा Important Tribes and Case Studies for UPSC Anthropology. I repeat, Important Tribes and Case Studies for UPSC Anthropology. ये तो आपको होगा कुछ दिनों में, वो भी हम आपको रोल आउट करेंगे. बट हियर यहाँ पर आप ये ध्यान रखिएगा कि फोर्थ एरिया दैट यू शैल नॉट नेग्लेक्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इज ट्राइबल एंथ्रोपोलॉजी. हम जब आपको ट्राइब रिलेटेड इंफॉर्मेशन के साथ आपको जो न्यू सीरीज लॉन्च करेंगे, वहाँ पर हम आपको कुछ और डिटेल्स देंगे, जैसा कि विच आर द रेफरेंस मटेरियल्स दैट यू विल हैव टू यूज़ फॉर ट्राइबल स्टडीज़. मोस्टली बिकॉज मार्केट में जो आपको बुक्स मिलते हैं, आपको लगता है कि बहुत सारा आउटडेटेड इन्फॉर्मेशन है, 1980s 1990s का होगा. सो वी डोंट हैव रिसेंट इन्फॉर्मेशन इन द रेगुलर बुक्स दैट वी फाइंड इन द मार्केट. इसके चलते विच आर द बुक्स दैट वी विल हैव टू डू, फ्रॉम वेर यू विल हैव टू एक्सट्रैक्ट द इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू केस स्टडीज, ट्राइब्स वगैरह, ऑल दिस वी विल बी डूइंग इन दैट पर्टिकुलर सीरीज. देखते रहेगा सोसिन क्लासेस. इसका और एक एपिसोड होगा, द थर्ड एंड कंक्लूडिंग एपिसोड. आप ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया सोसिन क्लासेस वेबसाइट को, सब्सक्राइब कीजिएगा सो दैट यू गेट द अपडेट्स ऑफ ट्राइबल स्टडीज़ और जो भी हम कोर्सेस कर रहे हैं. All that you will be able to get, and keep watching, keep writing to us. Thank you very much.